दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MZS Woodworker। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप सनमाइका की कटिंग प्रॉपर तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। उस औजार से इसकी कटिंग की जाती है, ये हर काम इजी नहीं होता है, उसको सीखना पड़ता है। इसी तरह से सनमाइका का ये जो कटिंग होती है हमारी, वो भी काफी ज्यादा ध्यान से करनी पड़ती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पास में घंटी को भी दबा देना और ऑल पर क्लिक कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी जानकारी की वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सनमाइका को खोलकर दिखाते हैं किस तरह से आपको कटिंग करनी है। बने रहें इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों ये कुछ हमने अपनी सीट को नीचे को इस तरह से बिछा लिया है, ये आपकी साइड पर होनी चाहिए। अब हम इसको खोल लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने ये खोल लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, वो आपको उसकी जानकारी देते हैं। फट्टी का यूज़ करना है, मतलब आप इसके नीचे रख के कटिंग करें। तो दोस्तों ये आपको ये फट्टी ले लेनी है, उसके बाद इसके नीचे को आपको कर लेना है इस तरह से। दोस्तों जो इसकी आपको कटिंग करनी है जितने साइज़ पर, आपको इस फट्टी को इसके नीचे रख लेना है। इसकी मार्किंग कर सकते हैं जितना भी आपको साइज़ चाहिए, जो हमें साइज़ चाहिए 10.25 इंची का। एक ही सीधी फट्टी का यूज़ करना है जो बिल्कुल सीधी हो। आप इसकी एक टक्कर चेक कर लें, अगर सीधी नहीं है तो आप सीधी कर सकते हैं इसको। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसकी वीडियो मिल जाएगी पट्टी को कैसे सीधा किया जाता है। तो ये नीचे हमारा बोर्ड रखा हुआ ही है, उसके बाद अब हम इसको इसकी लाइन पर पकड़ लेते हैं। दोस्तों अब हम इसकी अपना माइका काटने वाला कटर, ये हमको माइका के साथ मिल जाता है, प्लाई वाले की शॉप पर ही मिल जाता है। तो आपको इसकी मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी जो कटिंग करनी है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा जमा कर चलाना है, जमा के नहीं चलाते हैं तो इस तरह से स्लिप हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस वाले कटर को चलाएं तो काफ़ी ज़्यादा आराम से जल्दीबाजी ना करें। तो आप जल्दीबाजी करते हैं तो हमारा कटर ये स्लिप हो जाता है, वो स्लिप हो गया, अगर ये हमारे बीच में आ गया स्लिप होकर तो हमारा पीस भी बेकार हो सकता है, अगर हमको ये पूरे पीस की ज़रूरत हो तो। तो इस तरह से आपको ये कटिंग हो गई, उसके बाद आपको ये हाथ से इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, तो ये खुद ही टूट जाती है। तो इस तरह से एक आप अच्छी कटिंग कर सकते हैं। इसको जमा कर चलाना है, एक से दो बार आपको अपनी सीट पर चला लेना है इसको। तो दोस्तों जैसे कि हम माइका काटते रहते हैं तो हमारे कटर की धार भी जो है ख़राब हो जाती है, देख सकते हैं आप, इसकी भी धार बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अगर कोई भाई इस कटर की धार लगाना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने पुराने कटर पर एक अच्छी धार लगा सकते हैं और इसको कामयाब कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको माइका काटने का तरीका बताया और अब मैं इसको आपको माइका चिपकाने का तरीका बताता हूं। तो आप किस तरह से अपनी माइका को प्लाई बोर्ड के ऊपर चिपकाते हैं, तो ये हमारी जो मैं इस पर ही माइका चिपकाने वाला हूँ दोस्तों, प्लाई जो है ये 19mm वाली प्लाई है और इस पर मैं आपको बताऊँगा पर माइका किस तरह से चिपका सकते हैं प्रॉपर तरीके से, वही जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये हमारा SH फेविकोल है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी आती है इसमें और सेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं अब इसको आपको चिपकाने का पूरा तरीका बताऊंगा। आपको ये पत्ता मार्केट में मिल जाता है, इसके फेविकोल के साथ ही आप ले सकते हैं। तो इससे हमारा इसमें ये थोड़े से पॉइंट होते हैं तो इसमें हमारा प्रॉपर फेविकोल लग जाता है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। जब माइका में बबल्स हो जाते हैं, अगर सनमाइका के पत्ता से हम लगाते हैं ना फेविकोल, तो उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो ये पत्ते से यूज़ करते हैं, काफ़ी आसानी से आपको ये शॉप पर मिल जाता है जहाँ से आप फेविकोल लेते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इस पर प्रॉपर तरीके से फेविकोल को लगा लेना है, अपनी प्लाई पर फेविकोल लगाते हैं। ध्यान रखना है इसमें दोनों साइड इस फेविकोल को लगाना है, ठीक है। तो इसमें हम इसको चिपका लेते हैं। तो उसके बाद आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी रेती की, ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसकी रेती, ये हमारा काफ़ी, ये देख सकते हैं आप, ये फालतू है, ये 200 फालतू है। तो दोस्तों इसके बाद आपको इस पर मास्किंग टेप लगा लेना है, जब आप यहाँ पर रेती मार लें, रंदा लगा लें, उसके बाद इस पर मास्किंग टेप लगा लेना है। इस तरह से रेती मारने के बाद आपको इसमें रंध्र यूज कर देना।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी रंधा मारने के बाद रेती, अगर हम इसमें डायरेक्टली रेती लगाते हैं तो हमारी इतनी प्रॉपर तरीके से ये लाइनिंग सीधी नहीं हो पाती है। आपको रंधा ज़रूर मारना है। तो उसके बाद देख सकते हैं आप ये बिल्कुल इकसार हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर भी मास्किंग टेप लगा लेता हूँ। इस साइड पर टेप लगा लेना है और उस साइड पर टेप लगा लेना है। तो अब जो हमारा यहाँ पर रेती लगेगी अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर हम इसमें यहाँ टेप नहीं लगाते हैं ना तो ये स्लिप हो जाता है वहाँ को, तो अब ये बिल्कुल जाम हो जाएगा। इस तरह से अब हम इस पर भी रेती मार लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये सीधा नहीं चलाना है, इसको उल्टा कर लेना है इस साइड पर जब आप आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आ रही है हमारी। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं ना, पहले आपको रेती मार लेनी है, उसके बाद इसमें रंधे का यूज जरूर करना है, तो हमारी काफी फिनिशिंग आ जाती है। बाद जो मैंने आपको बताया इसी तरह से आपको इसको लगाना है। यहाँ पर रेती लगा लेनी है, उसके बाद रंधा लगा लेना है। जो रंधा आपको यूज करना है उस टक्कर से सीधा यूज करना है, फिर यहाँ पर आकर आपको उल्टा कर लेना है। तो इससे हमारी कोर बिल्कुल, आप देख सकते हैं, तो ये कोर बिल्कुल हमारी सेफ रहती है, टूटती नहीं है। इसके टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद ये मास्किंग टेप का आपको यूज़ करना है, इसके टक्कर पर लगा देना। तो हमारा मास्किंग टेप भी लगकर कंप्लीट हो चुका है। इतना बड़ा पीस काफ़ी जल्दी सेट हो जाता है, 1 से 2 घंटे के बीच में आराम से सेट हो जाता है। अगर धूप वगैरह हो रही है, मौसम गर्म है, तो 1 घंटे में सेट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रोसेस समझ में आया हो। कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटे को भी दबा दें और ऑल पर क्लिक कर लें। मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।